Why is it called as officers institute? Proudly बोलता हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो तो तक पहुँचने वाले हैं 500 से ज्यादा ये defence forces को already दे चुके हैं किन किन exams की तैयारी नगरा फौज में जाते हैं सबसे पहले आपको discipline सिखाया जाता है सैनिक स्कूल आर आई एम सी उसके बाद एनडीए सी डी एस एफकेट हमने छोटी सी पहल यहाँ पे जरूर की हुई है की जब भी बच्चा यहाँ पे एंटर करता है

जो कि एम डी है अचीवर्स इंस्टीट्यूट के नाम तो आपने सुने होगा सर नमस्कार क्या हाल चाल तुम दे नमस्कार जी राहुल जी बिल्कुल ठीक ठाक सो मैंने जो हेडलाइन दी कि जहाँ पर बच्चों को ऑफिसर बनाया जाता है ये वही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है तो इज़ दैट ट्रू यस यस ये बिल्कुल ट्रू है जी हम बच्चों को बिल्कुल छोटे होते से हम उनको वो इंकल्केट करते हैं और हम उनको ऑफिसर बनाने की राह में लेके जाते हैं

और मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तो कर्नल तक पहुँचने वाले हैं तो जब उनसे मिलते हैं जब उनके बारे में सुनते हैं उनके अचीवमेंट्स को सुनते हैं तो हमें भी प्राउड फील होता है कि लाइक like, हम कुछ कर पाए एटलीस्ट

ऊपर विधाता को कुछ और मंजूर था तो फाइनली अकेडमी नहीं जा पाए देर वॉज अ मेडिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं नहीं पहुँच पाया बट इवन देन लिव मई लाइफ लाइक पीपल दे आर इंस्पिरेशन एंड आई एम फॉलोइंग देयर ओनली क्या क्या हॉबीज हैं आपकी uh, राहुल जी हॉबीज़ जो हैं आई एम अ बाइक राइडर आई एम अ मैराथनर आई एम अ अलिस्ट ऑल्सो एंड आई ट्राई टू लिव माई लाइफ टू द फुल लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर कहते हैं कि टीचर बड़े बोरिंग होते हैं तो एम वेरी एक्टिव आई गेट अपनी डे एंड इज वट आई वॉन्ट टू इंकलकेट द सेम थिंग इन माई स्टूडेंट्स एज सो दिस इज जनरली अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको ऑफिसर की तरह रहना भी और ऑफिसर की तरह जीना भी है अपनी के बारे में बता दीजिए साइकिलिंग से स्टार्ट हुआ था मैराथन को बाद में ज्वाइन किया

पहला एम मेडल जिंदगी का अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो शायद चालीस साल की उम्र में लिया था <laughs> तो अब उसके बाद चीजें बढ़ती जा रही है ठीक है चालीस साल की उम्र में लिया था वट इज योर करंट एज बाइट नाउ फोर्टी सेवन राइट नाउ राइट तो आप इनके चेहरे से आप देख सकते हैं कि भाई एनर्जी कितनी है और वो जो कहते हैं कि तेज जो है वो कितना है सो ना कमिंग टू द मेन टॉपिक अबाउट इंस्टीट्यूट हाउ ओल्ड इज अचीवर इंस्टीट्यूट अचीवर्स इज 15 ईयर ओल्ड

ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट इसलिए बोला जाता है बिकॉज हम ट्राई करते हैं कि बच्चे जब भी हमारे पास एंटर करें तो हम uh, उनमें वो क्वालिटीज़ इंकलगेट कर पाएँ देखिए अल्टीमेटली यूनिफॉर्म पहनना ना पहना वो कहीं कहीं स्टार्स की भी बात है बट येस वी वॉन्ट कि अगर बच्चा यहाँ पे आया तो वो ज़िंदगी के वो फलसफे सीख के जाए कि जो उसको आगे कहीं पर भी मुश्किल ना आए हमने एक छोटी सी पहल यहाँ पे ज़रूर की हुई है कि जब भी बच्चा यहाँ पे एंटर करता है वो हमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून नहीं कहता वो हमें जय हिंद से संबोधित करता है आते हुए भी जाते हुए भी तो एक छोटी सी चेंज है जो उनको आते साथ सबसे बड़ी चेंज सेकंड चेंज ये है कि जब भी बच्चा आता है तो वो ऑफ कोर्स उनको ये सिखाया जाता है कि आपने सुबह जब घर से निकलना है तो आपने अपने पे, पेरेंट्स के चरण बंदना करके निकलना है डेट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो ये छोटी छोटी क्वालिटीज हम ट्राई करते हैं बच्चों में इंकल्केट करने की ताकि वो इस क्वालिटीज़ को आगे लेके जाएँ एंड जब भी समाज में जाएँ सोसाइटी में जाएँ तो वो एक अच्छी स्टूडेंट के साथ साथ अच्छी शख्सियत अपनी पर्सनैलिटी को वहां पे प्रजेंट कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करे एज एन ऑफिसर तो फिर आपको उनको भेजना है अचीवर्स इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट की बात की जाए कौन कौन से सर्विसेज यहाँ पर ऑफर की जाती हैं किन किन एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सैनिक स्कूल स्टार्ट करते हैं स्कूल देन आर आई एम सी उसके बाद एनडीए सी डी एस एफकेट तो ऑनलाइन टेस्टिंग का बच्चों को एक्सपोजर है थ्रू अवर एप थ्रू अवर वेबसाइट अचीवर्स फॉर यू मतलब नंबर एंड यू इज द एल्फाबेटी फॉर यू आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट अचीवर्स फॉर यू डॉट इन बी गेटिंग लॉट ऑफ टेस्ट ओवर देयर आप जाके वहां पे टेस्ट दीजिए यू आर गेटिंग डेली करंट अफेयर देयर सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर फॉर स्टूडेंट्स एंड दैट इज Of उसके अलावा हम लोग एक छोटी सी चीज को लेके चलते हैं अगर कोई बच्चा जो है एक डिजर्विंग बच्चा हर एक जो डिजर्विंग बच्चा है जिसको लगता है कि मुझे पढ़ना है मुझे आगे कुछ बनना है और वो किसी कारण एफोर्ट नहीं कर पाता, तो वी आर टू okay. लगता कर पैसे कम है तो फिर भी सपोर्ट की जाती है लेकिन वो जज्बा जो है वो होना उसके अंदर होना बहुत जरूरी है राइट राइट अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अचीवर्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है डिफेंस हैं तो एफ के की भी देते हैं तो फीस स्ट्रक्चर क्या है देखिए जी फीस स्ट्रक्चर जो है वो हमारा रफली अराउंड थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड है हु. एंड ये और उसके अलावा हम लोग एक बच्चों को क्या ऑफर करते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो वो इनिशियली हमें एक रजिस्ट्रेशन फीस दिए चार पांच दिन पड़े उसको ये ना लगे कि मैं आके फर्स्ट गया जैसे बहुत बार कई बार बच्चों को रहता है कि कई बार पढ़ाने का Uh, साथ वो मैच नहीं कर पाते या कई बार बच्चों में भी प्रॉब्लम होती है कई बार ऑफकोर्स अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है बड़ी सारी चीजें हैं डेमो क्लासेज अवेलेबल बट येस हम एक रजिस्ट्रेशन फीस जरूर लेते हैं उसका रीजन ये है कि कोई भी टॉम डिकन हेरी आके बैठ ना जाए और देखे कि यार टीचर क्या कर रहा है हम क्या करेंगे आपका जब तक कुछ स्टेक पे नहीं लगा हुआ है तब तक आप सीरियस भी नहीं होते तो दिस इज फॉर डैट रीजन डैट फिल्ट्रेशन ओनली बट ऑन द आई आईसो से अगर कोई बच्चा जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया किसी बच्चे को लगता है कि उसमें कैपेबिलिटीज है वो पढ़ना चाहता है वो करना चाहता है वो सोसाइटी में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास जो रिक्वायर्ड मीनस है वो नहीं है उसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो देन वी आर टू स्पोर्ट देखिए अगर आपके पास जज्बा है अगर आपके पास आर्मी ऑफिसर बनने का जज्बा है आपका एम है लेकिन अगर आपके लोग पैसों ग्रंज है तो पैसों है, वो यहां पर आपको फील नहीं होने वाला है और जज्बा जो है वो चेक करेंगे मिस्टर गुप्ता और बहुत से हैं जम्मू में सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे यहाँ पे बच्चा आता है और वो हमें एड्रेस किससे करता है सबसे बड़ा तो यही हम लोग बोलेंगे उसके अलावा हमारी जो बच्चों के साथ उनके साथ एजुकेशन रहती है वट वी बिलीव कि एजुकेशन इज बियॉन्ड बुक्स आल्सो ऐसा नहीं कि किताब उनको पढ़ा दी सिलेबस उनको mm -hmm. पढ़ा दिया और बस एजुकेशन होगी एजुकेशन इज अबाउट डेट बियॉन्ड डैट राधर कि आप, आपको चलना कैसे आपको किसके साथ बात कैसे करनी है mm -hmm. आप अगर आ, सड़क पर जा रहे हैं और आपको मौका मिलता है या आपके सामने लगता है कि किसी को कुछ हेल्प की जरूरत है तो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प देम आपको छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लड डोनेशन की वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए कि आप किसी बुजुर्ग महिला को अगर सड़क पार करा रहे हैं जरूरत पड़ने पे तो वो वो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर से वो सेटिस्फेक्शन आप कैसे फील कर सकते हैं सो दिस इज दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड एजुकेशन दिस इज बियॉन्ड सॉरी बुक इज एजुकेशन बुक इज नॉलेज आई थिंक दिस इज द बेसिक डिसिप्लिन अगर आप फौज में जाते हैं सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है और वो डिसिप्लिन ना सबसे पहले आपको यहाँ पर सिखाया जाता है ताकि एक ट्रेड जो है वो आपके अंदर ऑलरेडी रहे और मेरा मानना है कि दो चीजें तो तीन चीजें आपको चाहिए जो हमें बचपन से सिखाई जाती है हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें दैट इज वाई आई टेल माई स्टूडेंट्स टू जस्ट टच योर टच द फीट ऑफ पेरेंट्स बिफोर कमिंग और गोइंग फॉर एनी वर्क नंबर टू लेडीज या औरतों की आपको रिस्पेक्ट करनी है ये अगेन हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और नंबर तीन हमारे पेरेंट्स हम जब छोटे थे तभी से ही हमें सिखाते हैं कि अपना काम निष्ठावान तरीके से करना चाहिए तो अगर कोई भी बच्चा ये तीन चीजों को लेकर चलता है तो मुझे लगता है कि वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकता ओके दैट्स ग्रेट एंड इंटरव्यू को भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको यहीं खत्म करेंगे लेकिन उससे पहले एक सवाल जो है पूछने वाला ऑफिसर इंस्टीट्यूट को कहा जाता है पांच ज्यादा ऑफिसर जो है डिफेंस फोर्सेज में दे चुके हैं सो क्या यहाँ पर ऑफिसर्स के जो कि ऑलरेडी सर्विंग है यहाँ पर रिटायर्ड हो चुके हैं क्या उनके सेशंस भी काउंसलिंग सेशन यहाँ पर दिए जाते हैं बच्चों को Uh, राहुल जी ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से होके गए हैं यहाँ से बन के गए हैं एक ऊपर वाले का कर्म है ऊपर वाले की एक मेहरबानी है कि जब भी वो बच्चे जम्मू में आते हैं दे मेक इट अ पॉइंट दे विल कम एंड मीट मी और जब भी वो मेरे को आते हैं तो आई टेक इट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट दम इंटरेक्ट विद माई स्टूडेंट ग्रेट सो so, वो मेरे दोनों काम सब हो जाते हैं मेरे स्टूडेंट्स मुझसे मिल भी लेते हैं

इट्स एटी टू एपोजिट एशिया बुक सेंटर के लिए अगर किसी को भी स्पेशली uh, अभी गर्ल्स भी आ रही है पेरेंट्स को अगर की uh, हमें काउंसलिंग करानी है सो दे कैन कम फॉर फ्री काउंसलिंग बट ये अपॉइंटमेंट के साथ so पर अगर बाहर के लोग देख रहे हैं रजौरी पूछ के दूर दराज के लोग जो है कठुआ के लोग देख रहे हैं no, hostel facilities we are having some pgs we are associated with us we yeah. are having our own uh

आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं नंबर पे और आपकी क्वेरीज़ जो है वो हम सॉल्व करने वाले एंड एट द लास्ट जैसे कि सर ने कहा कि जब आते हैं तो जय हिंद कहते हैं और जब जाते हैं तो फिर से हम जय हिंद कहते हैं